बुरहानपुर जनपद के ग्राम पंचायत भावसा में मंगलवार को मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान का शिविर लगाया गया, जहां बड़ी तादाद में आसपास से ग्रामीण पहुंचे सरपंच नरेंद्र प्रजापति ने बताया कि हमने 3 से 4 दिन पहले मुनादी करवा दी थी, जिसके कारण लोग शिविर में पहुंचे। पंचायत सचिव अंबादास चौधरी ने भी कहा, मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान का शिविर लगाया गया है, जिसमें हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ मिल सके, इसलिए लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं को लेकर शिविर में लिखित आवेदन दिए। इसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी जाएगी। इस अवसर पर उप सरपंच संतोष सिंह पाटिल और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सचिव रफीक तडवी उपस्थित थे। बताइए, आज शिविर लगाया गया है, इसके क्या कारण है? आज ये शिविर है मुख्यमंत्री जी की योजना का लाभ दिलाना है लोगों को। 3-4 दिन पहले हमने मुनादी करवाई, इसी का लाभ लेने के लिए बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग आए हैं और हमारे यहाँ आवेदन प्राप्त किए गए हैं। आज आपका नाम और पद? नरेंद्र राजाराम प्रजापति। आज शिविर कहाँ लगाया गया, कितने आवेदन आए सब? हाँ, ये मध्य प्रदेश शासन का प्रदेशव्यापी अभियान चल रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान है। इस संबंध में आज 27 तारीख को ग्राम भाषा में इस शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में अब तक 181 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें अलग अलग योजना के हैं, BPL के हैं, संबल के हैं, किसी को मुख्यमंत्री सम्मान निधि नहीं मिलती है उसके है, अलग अलग प्रकार से 181 आवेदन प्राप्त हुए। आपका नाम और पद बताइए। अंबादास चौधरी, सचिव ग्राम पंचायत भावसा। बुरहानपुर से शकील खान की रिपोर्ट।